रतलाम जिले के बड़ावदा में मंगलवार दोपहर को एक युवक का शव मिला जिसकी उम्र 36 वर्ष थी। मृतक का नाम सुनील चौहान है जो वार्ड क्रमांक 5 का निवासी था। शव के गले में रस्सी का निशान पाया गया है जिससे आत्महत्या का संदेह गहरा गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी पिछले 6 महीनों से इंदौर में मायके में रह रही है। मंगलवार को ढाबा संचालक ने सुनील की मां को फोन किया जब सुनील काम पर नहीं आया। इसके बाद उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्य घर पहुंचे जहां शव बिस्तर पर पड़ा मिला। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मामले की जाँच की और बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि पुलिस ने सभी एंगल से जाँच करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में और जानकारी के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए जावरा अस्पताल भेजा गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। देखिए, सुनील चौहान हैं, 36 वर्ष के रहने वाले हैं, बड़ावदा पल्ला मोहल्ला वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। जो प्रथम दृष्टया जो है, जो परिवार की द्वारा सूचना दी गई, लगभग लगभग 18 से 20 घंटे पूर्व की जो है घटना कही जा सकती है। एफएसएल के द्वारा बताया गया, क्योंकि पीएम के द्वारा हम और ऑथेंटिकेट करेंगे। बेड पे जो है बॉडी मिली थी, बहन के द्वारा जो है मिला है। होमिसाइडल है या सुसाइडल है, ये पीएम के बाद ही जो है कहना उचित रहेगा। तो तत्काल हमने जो है एफएसएल की टीम, डॉग की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम और साइबर की टीम को जो है स्पॉट पर बुला लिया था। मैंने भी स्वयं अपने एसडीओपी के साथ एक्शन किया और कल दोपहर तक हम और बेहतर तरीके से सभी पहलुओं पर जाँच करके उन